पहले मैंने आपको बोला था कि आपके दिमाग में ये रूल सेट होना चाहिए, ऊपर की दो लाइनें किसकी होती है क्वेश्चन को समझने के लिए। यहाँ लिखा होता है बैलेंस एस पर यानी प्लस, ओवरड्राफ्ट एस पर यानी माइनस, कैशबुक पासबुक डेबिट क्रेडिट डेबिट। अब ये दो पॉइंट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में डेबिट लिख दिया क्रेडिट लिख दिया नहीं समझ में आ रहा, तो इसको देखो। और अगर आंसर निकालना है तो आपके पास ये फॉर्मेट है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। अब दिस इज योर प्रोफार्मा ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है। अब आपके क्वेश्चन में दिया क्या है देखो, स्टार्टिंग में मिस्टर रमेश फाउंड दैट द बैंक बैलेंस ऑन 31st मार्च 2015 वाज 7800 क्रेडिट बट हिज पासबुक डिफर फ्रॉम द फॉलोइंग। इससे क्या समझ में आ रहा है, बैंक बैलेंस जो आपको दिया है 7800 वो पासबुक से डिफरेंट है, यानी जो बैलेंस दिया है वो किसका दिया होगा, कैश होगा। दो ही चीजें हैं, कैशबुक और पासबुक। अगर पासबुक से डिफरेंट है यानी कौन सा बैलेंस है, कैशबुक का। और किस तरफ का बैलेंस है, डीआर का किसीआर का, डीआर। क्वेश्चन में लिखा है सीआर, क्वेश्चन में क्या लिखा है सीआर, तो कैशबुक सीआर कहाँ लिखा हुआ है। मैंने बोला था क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आएगा, ये दो लाइन देखना है, वो लिखा है कैशबुक सीआर लिखा है, यानी पूरी लाइन लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एस पर कैशबुक सीआर। यानी हमारे लिए ये कोई काम का नहीं है और ये किसी काम का नहीं है। यानी हमारे शॉर्ट में अगर रूल बोले तो प्लस होगा तो कहाँ लिखेंगे, माइनस होगा तो कहाँ लिखेंगे, प्लस। यानी एक कॉलम बना ऐड और एक कॉलम बना लेस। अब आपका पॉइंट नंबर वन क्या कहता है, ध्यान से देखो। आपके पास एक है कैशबुक एक है पासबुक, चलिए अगर हम प्लस माइनस ना करें तो वो भी ध्यान देना। क्या लिखा है, ही इशू अ चेक ऑफ 750, आपने एक चेक इशू किया 750 रुपए। आप इशू करना मतलब आपने किसी को चेक दिया, आपके पास से 750 रुपए क्या हो गए, माइनस आपके पॉकेट से 750 रुपए घट गया। कैशबुक इज योर पॉकेट और पासबुक इज बैंक पॉकेट, सीधा बनता है। आगे क्या लिखा, आउट ऑफ विच मतलब जिसमें से, चेक वर्थ 625 हियर ओनली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक में कितना पहुंचा 625, यानी पासबुक से कितना माइनस हुआ 625। अब ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, इसमें माइनस करेंगे ना, इसमें से हम कितना हटा दें, हम 125 इसमें क्या कर दें, माइनस करेंगे। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब देखो ऐसे भी निशान जा रहा ना, हो गया ना कॉम्प्लिकेटेड। अब अगर देखो मैं इसी को इस तरह से कर रहा हूँ, मैं क्यों लिख रहा था वहां पे 10,000, अब तुम्हारा समझ में आएगा। देखना यहाँ से मैंने 750 माइनस किया कितना हो गया 9200, यहाँ से कितना माइनस हुआ 625, यहाँ कितना हो गया 9375। अब इक्वल कैसे हो, प्लस 125 इक्वल हो जाएगा, यस या नो। यानी हमारा जोड़ क्या बना, हमने क्या किया एडजस्ट क्या किया, प्लस 125। तो प्लस का निशान मिला, रूल लगेगा प्लस, लेकिन दिखेंगे कहाँ, माइनस। पॉइंट नंबर वन हमने लिखा माइनस में 125, जिसमें भी सर्किल लगेगा एडजस्ट होने के बाद वो वैल्यू लिखनी है और जो निशान आएगा प्लस या माइनस उसके अकॉर्डिंग रूल लगाना है। यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि रूल हमारा इसका चल रहा है, क्वेश्चन हमको इसका दिया है। सेकंड पॉइंट में आओ, ही डिपॉजिटेड चेक 550, डिपॉजिट करना मतलब, दिस इज पॉइंट नंबर वन, जमा, डिपॉजिट यानी जमा, गुड। तुमने चेक जमा किया कितने का, 550 का चेक तुमने डिपॉजिट किया,
अभी हम डिपॉजिट करेंगे तो हम एंट्री कहाँ करेंगे? कैश बुक में, क्योंकि हमारी पास पावर केवल कैश बुक, कैश बुक का है, पासबुक का पावर नहीं। अभी लाइन पढ़ो क्या लिखा है, बट ओनली चेक 375 वेयर क्रेडिटेड इन द पासबुक, पासबुक में कितना जमा हुआ 375, यहाँ कितना हुआ 10,375 और यहाँ कितना हुआ 50, अब इक्वल कैसे होगा 125, हम 125 यहाँ से क्या कर देंगे घटा देंगे, कितना आएगा गलत हो गया, अब बताओ हाँ क्या आया, मैच कर गया? यस सर। हमारा एडजस्टमेंट क्या है, -175, माइनस का मतलब प्लस, कितना 175। ऐसे पॉइंट नंबर 3 में आओ, क्या कह रहा है, ही फाइंड्स दैट चेक वर्थ 250 डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट यानी पासबुक, सॉरी कैश बुक, पासबुक के लिए लिखा हुआ क्लियर क्लियर पासबुक, आपने डेबिट किया पासबुक में, अब हमको समझ नहीं, कैश बुक में अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि डेबिट का मतलब क्या है, क्वेश्चन में लिखा है ही फाउंड दैट चेक वर्थ 250 डेबिट इन बैंक अकाउंट, बैंक में डेबिट हुआ, अब डेबिट बैंक यानी कैश बुक में डेबिट का मतलब, जब क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट ना समझ में आया तो हमको इसकी हेल्प लेना है, पासबुक वर्ड पासबुक लिखा होगा नहीं तो बैंक अकाउंट लिखा है मतलब वो कैशबुक, कैशबुक में डेबिट होना मतलब प्लस हुआ, यानी यहाँ पे कितना हुआ प्लस, क्या वैल्यू लिखी है 250 प्लस हुआ, सेंटेंस क्या कह रहा है आगे देखो, वॉज नॉट डिपोजिटेड इन बैंक, बैंक में जमा नहीं हुआ, अधिकल कैसे होगा माइनस 250, माइनस का मतलब प्लस, प्लस में लिखना है कितना 250, इसकी वैल्यू 7800 थी, नेक्स्ट लाइन, अगला सेंटेंस क्या, कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट 150 इन बैंक अकाउंट, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा किया तो कस्टमर कहाँ जमा करने गया होगा, बैंक में, कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट प्लस करा दिए कितने 150, आपको भी यहाँ क्या करना पड़ेगा प्लस, प्लस के अकॉर्डिंग माइनस, माइनस में फोर्थ नंबर पॉइंट 150, नेक्स्ट लाइन, बैंक गेव 100 रुपीज ऑन 31st मार्च फॉर एज सब्सक्रिप्शन, बैंक ने दिया 100 रुपए, बैंक ने सब्सक्रिप्शन का दिया, सब्सक्रिप्शन में पैसा क्या होता है प्लस या माइनस, प्लस, माइनस, आप अगर किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लोगे तो पैसा कैसे होगा, माइनस होगा ना सर, माइनस होगा, अगर बैंक सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो बैंक का भी पैसा माइनस, पासबुक से माइनस हो गया 100 रुपए, बैंक पासबुक मतलब आपको माइनस करना होगा, माइनस का मतलब प्लस, प्लस में 100, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, क्या कह रहा है देखो, इंटरेस्ट ऑफ 200 ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट वाज नॉट एंटर्ड इन मेंशन चेस, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब ही होता है माइनस, यानी बैंक में इंटरेस्ट जो है हमारा माइनस हुआ 200, हमें भी माइनस करना होगा 200, तो माइनस का मतलब यहाँ क्या, प्लस, क्या वैल्यू आएगी यहाँ, 2, 3, 5 आंसर चेक करो, सही है सर, ठीक, अब इसका आंसर, आंसर का नाम क्या होगा, हुआ ड्राफ्ट एस पर कैशबुक का उल्टा, बाय दिस वे यू सॉल्व, कोई भी क्वेश्चन हो
अगर आपको ये समझ में आ रहा हो, ये समझ में तब आएगा जब आप खुद लगाओ और हर क्वेश्चन में आप ये टेबल बना के रख के लाओ। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको मेरे को वो बताने में आसानी होगी किस पॉइंट पे तुम गलती कर रहे हो, एग्जैक्ट वो पॉइंट हम पकड़ते हैं, अदरवाइज वो चीज ऊपर से ही जानी है इसकी पूरी दिमाग। डन। तो अभी आपके सामने आपके 10वां नंबर लगा हुआ, अभी आप फिर से लगाओ 10th वाला फोटो, तो अभी लगाओ ये सर, ये फोटो में खींचे गए वाला है सर, ये फोटो भेजा है हमारे पास आई तो नहीं, देख कैमरा में हमारे यहां नहीं पहले आती थी, कैमरा में जल्दी से आया मैंने कि सर भेजे थे ना, भेजे ही बोला था मैंने, वो भेजा था ना पीडीएफ, पीडीएफ नहीं आया। अरे